कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आज गोपालगंज स्थित श्री श्री जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सांसद पशुपतिनाथ सिंह, निरसा विधायक श्रीमती अर्पणा सोनगुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, सीओ नितिन शुभम गुप्ता, निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर मौजूद सांसद पीएन सिंह ने कहा कि हम भगवान जगन्नाथ से यह प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहराने की खबर सुनाई दे रही है, जो बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक होगी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि कोरोना से प्रभु जल्द से जल्द हमें छुटकारा दिलाए, ताकि हम अगले वर्ष बड़े ही धूमधाम से रथ यात्रा में शामिल और धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाए। वहीं दूसरी ओर निरसा विधायक अपर्णा सोनगुप्ता ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि कोरोना सदा सदा के लिए हमारे देश से बाहर चला जाए, ताकि अगले वर्ष धूमधाम से जगन्नाथ यात्रा निकाली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिनिटी न्यूज। और इस निरसा के जगन्नाथ मंदिर में पूजा आराधना कर सांकेतिक रूप से रथ यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चूंकि कोरोना का कालखंड चल रहा है और इस समय पिछले दो वर्ष से यह रथ यात्रा बहुत संक्षिप्त रूप से मनाया जा रहा है। पूर्व में हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होते थे और रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होते थे। भगवान जगन्नाथ के रथ को अपनी सेवा देते थे, लेकिन पिछले साल और इस वर्ष दोनों वर्ष उस वातावरण में यह कार्यक्रम नहीं संपन्न हो रहा है। आज हम सब मिलकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो तीसरे चरण आने की बात है, जिसमें छोटे बच्चे प्रभावित होने की चर्चा है, भगवान जगन्नाथ सबकी रक्षा करें और निरसा वासियों के जिंदगी में खुशहाली लाने का काम करें। और जिस उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पर रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होते थे, उससे दुगने उत्साह